अभी तक हमने ये सीखा है कि जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर को कम करा जाएगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो घटता जाएगा, है ना। तो घटते घटते अगर बहुत ही लो टेम्परेचर पर कर दिया जाए तो ऐसा भी कई बार होता है, कुछ मटेरियल्स में ऐसा होता है कि उनका रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो उन्हीं कंडक्टर्स को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं, है ना। और जिस टेम्परेचर पर जाकर के रेजिस्टेंस जीरो होता है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। तो अभी हम लोग सुपर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है सुपर कंडक्टिविटी, है ना। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ सम मेटल्स एंड एलॉय ड्रॉप्स सडनली टू जीरो, है ना। सडनली जीरो हो जाता है व्हेन दे आर कूल्ड टू अ सफिशियंटली लो टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब वो लो टेम्परेचर जहां पर किसी कंडक्टर का या किसी मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। दीज मेटल्स एंड एलॉयज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स व्हेन देयर रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। रेजिस्टेंस जीरो होने के बाद, है ना, उनको हम लोग सुपर कंडक्टर्स कह सकते हैं। एंड देयर बिहेवियर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। मतलब पहले उनको हम लोग कंडक्टर कहते थे, उनके बिहेवियर को कंडक्टिविटी कहा करते थे कि कंडक्ट कर रहे हैं, अब उसको कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी। जैसे कि मरकरी, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। देख सकते बहुत ही लो टेम्परेचर है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही कम है, निगेटिव में टेम्परेचर आएगा अगर डिग्री सेल्सियस से मेजर करेंगे तो इस टेम्परेचर के नीचे जाने पर ये जो मरकरी है सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव कर